वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज नाश्ते में बन रहा है, मम्मी का आज मन था पास्ता खाने का, तो बना रहे हैं पास्ता। और पापा को पसंद नहीं है पास्ता, जंक फूड होता है वो, पापा को पसंद नहीं है, तो उनके लिए मम्मी जो पोहा होता है वो बना रही है और हम लोग खाएँगे पास्ता। और माली भैया आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए, बाहर मैं दिखाऊंगी साफ़ सफाई हो रही है। और इधर ये देखिए वसु, तो बाहर सफाई मतलब गार्डन की जो सफाई मैंने कहा था आपको कि मैं करवाना है, तो वो हो रही है। तो यहाँ पे भैया आ गए थे सफाई करने के लिए। तो यहाँ आगे का पहले जो हमारा जो मेन गेट है, वहाँ पे जो गार्डन है हमारे, तो वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही थी, क्योंकि ये एंट्रेंस है और यहीं पे अगर गंदगी दिखेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ सफाई हो गई थी। उसके बाद जो पीछे हमारा जो जहाँ हम सब्ज़ी वगैरह उगाते थे, वहाँ साफ़ सफाई हुई है। आप भी आपको मैं अभी तो नहीं हुई थी, आज ये फर्स्ट डे था, तो ये आगे का गार्डन ही साफ़ हुआ था। और पीछे साफ़ करने में ना, पीछे का जो एरिया साफ़ करने में ना 2 दिन लग गए थे, तो वो आपको अगले ब्लॉग में दिखेगा कि कैसा साफ़ सफाई होने के बाद जब तैयारी हो रही थी वसु के बर्थडे की, तब वो कैसा लुक आया था। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। जा चम्मच मांग लो नानी से, कांटा ला मांग लेना। जा क्या हो रहा है पापा, हेलो करिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। पास्ता का नाश्ता हो रहा है। पास्ता का नाश्ता कीजिए। आप खा रहे पोहा। आ गया मम्मी का प्लेट, मम्मी का फरमाइश पे पास्ता बना है। कैसा लगता है मम्मी बताइए। बहुत अच्छा लगता है, खाई है ये नहीं अच्छा लगता। बहुत टेस्टी है, आपको कोई देता नहीं है। हाँ। सब कोई अपना खाइए ना, सब कोई अपना अपना खा रहा है। आपको कोई पूछता ही नहीं है, आया कोई है छोटंकी, एक को बार नहीं खिलाती आपको। ये छोटंका है, ये भी ये भी छोटंका जो है अन्ना बात ठीक कर, एक बार भी नहीं खिलाता है। नानू को पसंद है नहीं, नानू झूठो बोलते हैं खाली। हाँ अली आ जा, अली 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 क्या का गार्डन साफ हो गया है। अभी सफाई जारी है, सुबह सुबह सिलेंडर ख़त्म हो गया है, दूसरा सिलेंडर लगाया है तो लीक कर रहा है। अब नाश्ता अब नाश्ता खाना आज का हम लोग फास्ट रखेंगे सुबह से दोपहर तक का, है बाबा ठीक है। फास्ट रहेंगे हम लोग। और वैसे उनको फ़ोन कर दिया जो आते हैं सिलेंडर वगैरह देने, उनको फ़ोन किया है कि सिलेंडर लीक कर रहा है, तो शायद वो आ जाए। कितने देर में आते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आएंगे। तो तब तक इंडक्शन है हमारे पास, तो चाय सुबह की चाय हो गई है, नहीं तो पापा का तो हालत ख़राब हो जाता बिना चाय का, है बाबा है ना। यहाँ पापा शेविंग कर रहे हैं, तो चाय हो गई है। बच्चों के लिए दूध गर्म करना था, दूध गर्म कर दिया है जी। और देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी 9:30 तक फिर से वो भैया आएंगे सफाई जो कर रहे थे कल, माली भैया हमारे। तो आगे का जो गार्डन है वो तो थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, पीछे सफाई हो रही है। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और मतलब पेड़ पौधे भी बहुत सारे हो गए थे। इस बार सर्दी में हमने कुछ लगाया भी नहीं, तो इसलिए और भी
उधर गंदगी हो गई थी, ऐसा है। तो चलिए फिर देखते हैं नाश्ता आज का क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लड़का कमान का काम करने वाला है, कोई लड़की देना चाहता है तो दे। मम्मी का हेल्प कराता है लड़का, तो बीवी का भी हेल्प कराएगा ना बेटा। और आज बन रहा है हमारे घर पे सहजन। इधर लाओ आइए मम्मी, सुबह सुबह गैस खत्म हो गया, उसके बाद इंडक्शन वाला बर्तन नहीं है, तो जो स्टील वाला था वो चढ़ा, उसमें चाय बना, दूध खोला, सब हो गया। अब खाना के इंतजार ही में काम भी कर रहा है, लीक कर रहा है। अब क्या होता है बोला गया है कि आके भाई देखो कैसा गैस दिए हो। भाइयों ऐसे नहीं करो बेटा, हाथ पर लग गया ना सब, आराम से चल। देखो उसका पूछी कौन काटेगा, दोनों तरफ पूछी कटता है। हाँ उस तरफ हाँ हाँ, दोनों तरफ पहले पूछी काट लिया करो, पूछी काट लेता, दोनों तरफ पूछी काटो उसके बाद काटा करो। हाँ बस अब अपना काटो आराम से, दोनों तरफ पहले काट लिया करो उसके बाद। ये क्या किए भिंगाली, आई छोटी मोटी रोटी। नाश्ता में क्या बनाई मम्मी? मुझे नहीं पता। तू खाई नहीं रे? मुझे नहीं पता, खिलाने का डर से बोलती है। छोटी को तो बर्थडे पे नहीं बुलाएंगे, वसु के बर्थडे पे बुलाएंगे ना, बुलाएंगे। देखो लिस्ट में तुम्हारा नाम है नहीं है, देखो। हाँ दिखा, दिखाते हैं, रुक जा, इसका लिस्ट में नाम नहीं ना मम्मी, देख लो। मुझे नहीं करना था। कुकी अरे कुकू हवा खा रहा है, ये गोदी नहीं लो ना उसको, तो शाम को मैं यहाँ पार्लर आ गई थी अपने, जो मैंने बताया था हेयर कटिंग वगैरह करवाने, तो यहाँ मेरा हेयर कटिंग हो गया था, तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे पार्लर में, तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो में, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ बस मेरी कटिंग हो गई थी, थ्रेडिंग हो गई थी और वैक्स, इसके बाद वैक्स हुआ और उसके बाद मैंने हेयर्स पे थोड़े कलर्स करवाए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपको आगे दिखेगा कैसा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके मुझ पर कैसा लग रहा है, तो आगे देखिए आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है
कि मैंने बताया था कल के व्लॉग में कि पार्लर जाना है मुझे, तो खुद को पैम्पर करने का समय आ गया था। बहुत दिन से सोच रही थी पार्लर जाने को, तो अच्छा मौका था। तो अब फंक्शन में अगर कुछ ना कराए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ कराते रहो। तो आ गए हम अभी पार्लर में, तो थ्रेडिंग वगैरह हो गई है, वैक्स करा लिया है, हेयर कट हो गया है, और कलर होने के बाद अभी हेयर वॉश हो गया है, और कुछ शायद अभी लगा हुआ है पता नहीं। और इधर साथ में जुगनू भी हमारी आ गई है थ्रेडिंग। तो बस अभी सब कोई अपना अपना, अभी क्या करा ना जुगनू कटिंग। अच्छा, ये हमारी दीदी हैं, हेलो। इनका भी इंस्टाग्राम पे क्या है दीदी, सिर्फ डिम्पल, डिम्पल सेवन करके इंस्टाग्राम पे इनका आईडी है, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिएगा वहाँ जाके इनको। और शायद अगर मैं फंक्शन के दिन अगर तैयार होती हूँ तो आपको वो भी वीडियो इनके इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वैसे तो मैं अपना शेयर कर ही दूँगी, तो देखते हैं फिर, वही है ना टाइम मिलेगा तब ना पूछो। तो सिंपल सा करना है, मतलब जैसा दिखते हैं बस वैसा ही होना है। हाँ, तो अभी जुगनू आई है तो हेयर कटिंग वगैरह करवाएंगे, देखते हैं। 8 बजने वाले हैं और मैं आई हुई हूँ 5 बजे की, 5:30 बजे की, और अभी 8 बज रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है पार्लर वगैरह में। टाइम अगर मिला तो, वही तो मैं अभी बोल रही थी दीदी को, वही तैयार है। नहीं ना, नहीं। हाँ, तो जब से मैं यहाँ हूँ 10 साल हो गए मुझे, तो जब भी मुझे हेयर कट वगैरह लेना होता है तो यहीं मैं आती हूँ, मुझे और कहीं की मैं संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ। तो ऐसा है, तो चलिए फिर अब आपको ये अभी का लुक दिखा दिया मैंने, ये चंपू टाइप। तो इसके बाद जब पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे, मतलब अभी के लिए, तो फिर आपके साथ वो लुक शेयर करेंगे कि कैसा मतलब लुक आया है हेयर कट का और कलर के बाद। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।